हेलो फ्रेंड्स, कुछ बेटियों ने आज मुझसे हिप फेट थाई फेट के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो मैंने बनाई है। हिप फेट और थाई फेट असल में या तो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या फिर पीसीओडी प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर नींद पूरी नहीं ले पाते हैं आप, तो उसकी वजह से इसमें बढ़ जाता है और बैठे बैठे रहते हैं। प्लस आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है बच्चियों की, तो उसकी वजह से भी उनके हिप और थाई पे फेट ज़्यादा आ जाता है। तो आजकल सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, चाहे वो जेंट्स हों या लेडीज़ हों, और लेडीज़ में कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है अपने फिगर को लेके, तो इसके लिए डिमांड आ रही थी, तो मैंने ये एक्सरसाइज बनाई है। तो इसके लिए जो है, एक तो स्क्वाट बहुत बेहतर चीज़ है। स्क्वाट दो तीन टाइप से लगते हैं जो मैंने अपने वीडियो में डाले हैं, और एक बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है। तो बटरफ्लाई तो कॉमन है, सबको पता है, शायद मैंने एक आध वीडियो डाली भी है बटरफ्लाई की। तो आप ये दोनों कीजिए और अपने हिप फेट और थाई फेट को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और आप जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समस्या हो, अपन यहाँ लेडीज़ चैनल है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके लिए वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, या ये प्रॉब्लम है, तो अपन योग के माध्यम से अपन योगिक समाधान देखेंगे हर चीज़ का, हर बीमारी का। तो अपन योग के द्वारा, अपन एक्सरसाइज के ज़रिए से अपन इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, ना कि अपन दवाएं गोलियां लेंगे बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, आप मुझसे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसमें एक्सरसाइज के माध्यम से मैं यहाँ पेश करूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।